आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, देश के कोने कोने में, हर राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, दवाइयों की डिमांड बढ़ रही है, वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है और जगह जगह इनकी कमी महसूस हो रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बच गई। मैंने खुद रात रात भर अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम कराने में गुजारी है कि कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत नहीं हो जानी चाहिए। केंद्र सरकार हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तय करती है। देश भर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है, केंद्र सरकार तय करती है कि इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। अब दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? दिल्ली सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया जिसके हिसाब से दिल्ली को रोज़ाना 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था, ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब केंद्र सरकार ये भी तय करती है कि जो आपके कोटे की ऑक्सीजन है वो कौन सी कंपनी देगी। जैसे दिल्ली में तो ऑक्सीजन बनती नहीं है, दिल्ली की सारी ऑक्सीजन दिल्ली के दूसरे राज्यों से, दिल्ली के बाहर के दूसरे राज्यों से आती है। तो केंद्र सरकार तय करती है कि फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी, फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी। मान लो राजस्थान की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी, हरियाणा की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी। तो केंद्र सरकार कंपनियां तय करती है कि किस कंपनी से दिल्ली को अपने कोटे की ऑक्सीजन आएगी। अब दूसरी समस्या यहाँ पे आ रही है कि ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचने लगी है। जो जो दिक्कतें आ रही थी हम लगातार पिछले 2 दिन से एक एक मिनट टू मिनट, मैं खुद, मनीष जी, मैं, हमारे सारे ऑफिसर्स केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में थे। परसों रात को मुझे याद है जब जीटीबी हॉस्पिटल में वहाँ का ट्रक एक पड़ोसी राज्य से चलना था पर वो चला नहीं, जीटीबी ऑक्सीजन में आनी थी ऑक्सीजन, तो एक केंद्रीय मंत्री को हमने फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत वहाँ पे बात करके उस ट्रक को वहाँ से छुड़वाया। हम लगातार संपर्क में हैं, एक एक ट्रक को अस्पताल पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, सोई नहीं है। हाई कोर्ट और केंद्र सरकार से जो मदद हमें मिली है उसके लिए तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो कोटा हमारा बढ़ाया गया है अभी ऑक्सीजन का, उसमें उड़ीसा से काफ़ी ऑक्सीजन आनी है, तो बढ़े हुए कोटे की ऑक्सीजन को भी दिल्ली पहुंचने में कुछ दिन लग जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हो सके तो हवाई जहाज के जरिए उड़ीसा के से ऑक्सीजन लाई जा सके। जब हमने लॉकडाउन लगाया था मैंने आपको बोला था कि ये 6 दिन का जो लॉकडाउन है ये 6 दिन हम आराम नहीं करने वाले, हम 24 घंटे काम करेंगे। इन 6 दिनों को हम इस्तेमाल करेंगे दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने के लिए। इन 6 दिनों में दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको ठीक करने के लिए, दिल्ली में जो बेड की कमी है उसको ठीक करने के लिए, और हम 24 घंटे लगे हुए हैं दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करने के लिए। इस लॉकडाउन के 6 दिन जो हमें मिले हैं इन 6 दिनों में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक और बात, ये बहुत बड़ी आपदा है। इस आपदा में अगर हम सारे लोग
हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इसमें बट गए तो भारत नहीं बचेगा। इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी है, हमें भारतीय बनना है, हमें इंसान बनना है। देश के लोग आज सभी न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं कि दिल्ली में आने वाला ट्रक किसी और राज्य ने रोक दिया, मध्य प्रदेश में जाने वाला ट्रक फलाने राज्य ने रोक दिया। ये तो ठीक नहीं है, लोग ये नहीं चाहते। देश के लोग आज ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली ने किसी दूसरे राज्य की मदद कैसे करी, उत्तर प्रदेश ने किसी राज्य की कैसे मदद की। हम एक साथ मिलके आपदा से लड़ना है हमें, तभी भारत बचेगा। अभी तो समय ये है कि उत्तर प्रदेश वाला दिल्ली की मदद करे, दिल्ली वाला हरियाणा की मदद करे, हरियाणा वाला बिहार की मदद करे, बिहार वाला गुजरात की मदद करे। हम सारे लोग अगर एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो भारत बचेगा। और अगर इतनी मुश्किल घड़ी में भी हम सारे एक दूसरे से लड़ने लग गए, तो अगर भारत राज्यों में बट गया इस समय, तो फिर भारत को कौन बचाएगा? मेरी सारी नागरिकों से अपील है, सारी सरकारों से अपील है कि आइए मिलके एक होके लड़ते हैं। अगर हम मिलके बट लड़े, एक मुट्ठी बनेगी, हमारे सारे संसाधन मिलके एक साथ इस्तेमाल होंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी शक्ति बढ़ेगी। और अगर हम बट गए तो फिर कोई हमें नहीं बचा पाएगा। मैं सभी राज्य सरकारों से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे से जो बन पड़ेगा, मेरे हाथ में जो होगा, आप मुझसे मांगिए, मैं दूंगा। पूरे देश की मदद करेंगे। अगर दिल्ली में हमारे पास ऑक्सीजन जरूरत से ज़्यादा होगी तो हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देंगे। अगर हमारे पास किसी दवाई की ज़्यादा मात्रा होगी तो वो भी हम दूसरे राज्य के साथ बांटेंगे। और जब दिल्ली में कोरोना कम होगा और किसी दूसरे राज्य में डॉक्टर्स की ज़रूरत हुई, हम वहाँ डॉक्टर्स भी भेजेंगे। हम सभी भारतवासी हैं, हम अपने देशवासियों की मदद करेंगे, सभी राज्यों की मदद करेंगे, क्योंकि ये बीमारी कोई बॉर्डर देख के नहीं फैलती। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी भावना के साथ हम सभी मिलके एक साथ, सारी सरकारें, केंद्र सरकार, सारी राज्य सरकारें, हम मिलके काम करेंगे, एक भारत बन के काम करेंगे कोरोना को हराने के लिए। हमें पूरी दुनिया के सामने दिखा देना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कोविड केसेस भारत में होने के बावजूद कैसे भारत के लोगों ने, यहाँ की सरकारों ने मिलके कैसे इस आपदा से लड़ाई की, कैसे हमने सारा प्रबंधन किया। भारत के लोग दुनिया को दिखा देंगे कि कैसे एक साथ मिलके इस खतरनाक बीमारी को हमने हराया। जय हिंद।